सो वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ट्रेडिंग रेवेन्यू। आज बात करेंगे इंट्राडे प्लस स्विंग स्टॉक के बारे में जो आपको बढ़िया मुनाफा दे सकते हैं। ये पांच स्टॉक हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया पैटर्न्स बनाई हैं। आपको अगर कल मॉर्निंग में अगर ये स्टॉक अगर उसने अपने लेवल्स के ऊपर जो बाइंग लेवल हैं उसके ऊपर अगर उसने ब्रेकआउट देके सस्टेन किया तो आप वहां से बाई कर सकते हैं। वहां से जो है आपको एक बढ़िया मोमेंट मिल सकती है। तो इंट्राडे प्लस स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर इंट्राडे में भी आपको बढ़िया मुनाफा मिल जाता है, सफिशियंट मोमेंट मिल जाती है तो आप वहां से एग्जिट कर लो, नहीं तो ये स्विंग ट्रेड के लिए तो बेस्ट स्टॉक है। तो आप अगर चेक करते हैं, चलिए आते हैं स्क्रीन पे। पहला स्टॉक है जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बनाई है और ये काफ़ी जो है घिर चुका है ये स्टॉक और वहाँ से उसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बनाई है। अगर आप देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट है और ये यहाँ पर आपको 401 के ऊपर अपना जो है बाइंग लेवल है। अगर कल इंट्राडे में उसने 401 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है तो आप जो है वहाँ से बाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टॉक अपना है चंबल फर्टिलाइज़र। चंबल फर्टिलाइज़र जो है वो भी काफ़ी गिर चुका था, वहाँ से वो सस्टेन करके ऊपर की तरफ आ रहा है लेकिन 362 के ऊपर जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देता तब तक बाई करना नहीं है। जब भी उसने 362 के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो वहाँ से एक अपने को तगड़ा मोमेंट मिलेगा। जो आपका टारगेट रहेगा यहाँ पर 390 और उसके बाद ये स्विंग ट्रेड के लिए है तो अपने को 400 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। काफ़ी गिरा हुआ है, देखो आप 15 मिनट के चार्ट पे, बाकी का सब जो है एनालिसिस करके रखा है। आपको यहाँ पर जो है ये कंटिन्यूस पैटर्न्स भी यहाँ पर मिलेगी, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। वहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है, देखो ये पैटर्न में डायरेक्ट आपको एंट्री नहीं लेनी है, ब्रेकआउट दे देता है तो ब्रेकआउट के बाद आपको जो है 362 के ऊपर आपको जो है बाई करना है। उसके बाद जो अपना आता है अदानी एंटरप्राइज, जो 2110 के ऊपर इसका बाइंग लेवल है। ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न्स में है, कंसोलिडेशन जोन में जो है काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन जोन लिया है। अगर 2110 के ऊपर ब्रेकआउट देता है कल तो आपको जो है 30 में कल मतलब 30 मई को अगर उसने 2110 के ऊपर उसने सस्टेन करने की कोशिश की तो आप जो है वहां से बाई कर सकते हैं। सिंजन इंटरनेशनल, इसने भी काफ़ी ये ट्रेंड लाइन को जो है काफ़ी जो है उसने रेजिस्टेंस लिया और ये ट्रेंड लाइन का उसने ब्रेकआउट देके कंसोलिडेशन जोन लिया है और यहाँ पर भी एक अपना सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स बन रही है। ऐसे देखने जाओ तो यहाँ से आपको एक बॉक्स पैटर्न्स भी देखने मिल जाएगी। अगर इसके ऊपर जाता है 538 के ऊपर तभी जो है अपना बाइंग लेवल बनेगा, तब तक अपना बाइंग नहीं बनेगा, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखना स्विंग के लिए। उसके बाद अपना है स्टील अथॉरिटी इंडिया सेल। ये जो है ना ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, ये आपको इंट्राडे में इतना हाईली मोमेंट देने के चांसेस उसके बहुत ही कम है। ये आपको जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेस्ट स्टॉक है। ये काफ़ी गिर चुका है, आपको जो है करीबन 38-37% गिर चुका है ये स्टॉक। तो आपको जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट स्टॉक है, मार्केट भी अभी बुलिश है तो आपको ये स्टॉक बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है 75 रुपीज़ के ऊपर। अभी उसको बाई मत करना, 75 रुपीज़ के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तो आपको जो है ये बढ़िया मोमेंट दे सकता है। सो ओके, आज के लिए इतना ही। स्विंग ट्रेड चेक कर लीजिए, अपने वॉच लिस्ट में ये स्टॉक लगा दीजिए जो आपको बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।